जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल अंग ग्रुप पर। आज आपके स्पर्म को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य फल के बारे में जानेंगे। आप स्त्री हैं, आपकी अभी वर्तमान उम्र 31 ईयर्स है और आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। इसके अलावा आपके कुछ सवाल भी हैं। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। ये आपकी लेफ्ट पाम है, लेफ्ट पाम से आपकी डेस्टिनी के बारे में हम जान रहे हैं, यानी कि किस्मत के बारे में। किस्मत क्या होती है? पूर्व जन्मों के क्रमानुसार जो हमें फल प्राप्त होते हैं, जब भी नई योनि में हम जाते हैं तो वो हमारी किस्मत होती है। और जब आपके राइट हैंड में जाएंगे तो वहाँ से आपके वर्तमान समय को जानेंगे कि आपने अपने कर्मानुसार अपनी चीज़ों को किस हद तक अपने लिए सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति में ले गए हैं। जो आपकी लेफ्ट पाम होती है, इनका जो प्रभाव होता है वो पूरे जीवन पर आपके हमेशा बना रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक जैसे भी आपको फल प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार। तो इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति क्या लेके आया है और वो कितनी आगे तक जाने की क्षमता रखता है, जीवन में क्या क्या करने की स्थिति उसकी बनी रहेगी, किस चीज़ों की तरफ सकारात्मकता है उसकी, जिस तरफ बढ़ने से उसे फायदा होगा, कौन से ऐसे क्षेत्र है जिसकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा जो अपनी तरफ खींचेगा और आपके लिए अच्छा या बुरा जो जैसी परिस्थिति रहेगी कि उसके अनुरूप आपको फल देगा। तो शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की जो सर्वप्रथम रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से जैसा उसे चलना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन बीच में जाके खंडित हो रही है। खंडित होने का जीवन में अलग अलग परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। एक किससे संबंधित है और किस तरीके से, जैसे कि इस क्षेत्र में है सामने शुक्र की है पर्व क्षेत्र, उसके ऊपर अगर आप चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि शनि का पर्व क्षेत्र है। तो इन दोनों पर इसका उसी तरीके से आपका प्रभाव रहेगा राहु के क्षेत्र को क्रॉस करते हुए। शुक्र से क्या होगा, जीवन में भोग विलास वगैरह चीज़ों की जो स्थिति है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके ऊपर शनि के क्षेत्र में तज जाएंगे तो जीवन में आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य से संबंधित इन सारी चीज़ों की स्थिति को दर्शाते हैं। द्वितीय रेखा पर आएंगे धन संबंधित की, तो इनकी स्थिति अच्छी है, लेकिन शनि की स्थिति जैसा कि प्रथम रेखा से ज्ञात हो रहा है कि कुछ न कुछ मुश्किल आपके लिए पैदा कर रही होंगी। ठीक है, और थर्ड में आएंगे तो आप में एक ये होती है ना भावना लोगों की मदद करने की, लोगों के प्रति लोगों की पीड़ा खुद समझने की, महसूस करने की, वो आप में क्षमता है और एक अच्छी बात है। ठीक है, इसका आपको लाभ भी मिलेगा जीवन में। शुरुआत करेंगे आपके गुरु के इस पर्व क्षेत्र से, कैसी परिस्थितियाँ बन रही है। पर्वत क्षेत्र की सिर्फ बात करें तो पर्वत क्षेत्र काफ़ी विकसित है और एक बेहतर स्थिति में है। ठीक है, इसमें जो कुछ चिन्ह मौजूद हैं, खासकर वर्ग के चिन्ह काफ़ी अच्छे हैं जो कि आपके लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक असामान्य स्थिति बनी हुई है मस्तिष्क रेखा की, जो कि आपके गुरु पर्वत के सबसे ऊँचे वाले शिखर से इस क्षेत्र से निकल के और मंगल के क्षेत्र में दोनों ही होके बढ़ती चली गई है। ठीक है, अमूमन आप देखते होंगे कि मस्तिष्क रेखा की जीवन रेखा के साथ निकल के आगे की तरफ बढ़ती है, कभी कभी जीवन रेखा छोड़ के आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, ये शायद 10 या 15 हज़ार लोगों में किसी एक बंदे में या बंदे में ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ये आपके लिए एक अजीबो गरीब स्थिति पैदा कर देती है। ये व्यक्ति के अंदर कभी कभी संस्कारों को इतना कूट कूट के भर देती है और कभी कभी इतना ज़्यादा उद्वेलित कर देती है, यानी कि आपे से बाहर कि पूछो मत, आपका जब जो चाहे जिस तरीके से चाहे आपका महसूस कर सकता है, आपका अपने हक में अपनी बेहतरी के लिए प्रयोग कर सकता है। आप में आपके भीतर कुछ संस्कार इस प्रकार से होते हैं कि लाख जुल्म से है, लाख समस्याएं हो, लाख तकलीफें हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर एक आवरण लगा होता है संस्कारों का, परवरिश का। ठीक है, और ये चीज़ें आपके जीवन में इतनी घुली मिली होती है ना कि आपके लिए आप पे अत्याचार होते रहे, आपके लिए चीज़ें मुश्किल होती चली जाए, लेकिन फिर भी आप उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। ठीक है, उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते। और कई बार ठीक इसके विपरीत हो जाता है, जब आप कोई मामूली सी चीज़ को भी लेके इतने उद्वेलित हो जाते हो, इतने परेशान हो जाते हो कि वो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर देती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर आपके लिए अजीब और गरीब, मैंने स्टार्टिंग में बोला, वो स्थिति ला देती है। और जो इसकी लास्ट में आप स्थिति देख रहे हैं, दो मुंही होके बैठी पड़ी है, इसका क्या मतलब हुआ? ये आपकी मानसिकता के उस स्तर को दर्शाता है जब हम एक खास रास्ते पे चल के चाहते हैं अपनी उस मंजिल को प्राप्त कर ले, अपनी उन चीज़ों को प्राप्त कर ले जो सोच के हम आगे बढ़े हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब आपको वो चीज़ें भी नहीं मिलती और आप ना उधर के 100% रह जाते हो ना उधर के रह जाते हो। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों के बयां करने हैं आपके लिए। सेकंड बात करेंगे आपके सैटर्न माउंट की, यहाँ की कैसी स्थिति है। निश्चित तौर पे ढैया या साथी साथी का प्रभाव आपके जीवन पर इस समय बना ही हुआ है और आपके साथ लगा ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनकी परिस्थितियाँ आपके हक में अब भी नहीं है। तृतीय बात करेंगे आपके
सूर्य के इस क्षेत्र की कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है। देखो सूर्य का जो ये क्षेत्र है ना आपके लिए ये थोड़ी झंझटों को बढ़ा रहा है, थोड़े इस प्रकार से आपके लिए देगा जैसे कि कुछ कलंक की स्थिति पैदा कर देता है। ठीक है, गलती कुछ भी नहीं है लेकिन आप पे किसी प्रकार का आक्षेप आप पे लगाने से कोई बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या है कि अपने आप को चौकन्ना रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर जॉब वगैरह करना चाहें तो ये आपका बहुत ही अच्छा समय है, आप कोई जॉब की तरफ अगर आप कदम बढ़ाएं तो आपको मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, परेशानी नहीं होगी। चतुर्थ बात करेंगे आपके बुध के इस क्षेत्र की, आप में हुनर है, काफ़ी कुछ हुनर है, बुध की जो भी आपकी रेखाएं हैं वो भी स्पष्ट तौर पे बता रही है, इवन की गुड ज्ञान भी है चीज़ों का, इवन की आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह इस सारी चीज़ें ना इसकी तरफ भी आपका काफ़ी अच्छा खासा झुकाव है और आप इसकी तरफ भी आगे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको फायदा होगा। इसके अलावा औषधि से संबंधित आप अगर कुछ कार्य करना चाहें तो उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, अब हम चलेंगे आपके मंगल के क्षेत्र में, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। बहुत अच्छी है, इसमें कोई समस्या जैसी स्थिति नहीं है। ठीक है, जीवन की गति को इसने अच्छा खासा बना रखा है। दूसरे मंगल की स्थिति भी अच्छी है, राहु पे थोड़ी सी यहाँ पे समस्या है क्योंकि शनि अच्छा नहीं है तो राहु भी बेहतर कार्य नहीं कर पा रहा है और मस्तिष्क रेखा पर बना एक खास आपके त्रिभुज की स्थिति भी आपके लिए अच्छा कार्य यहाँ पे नहीं कर पा रही है क्योंकि ये प्रभावहीन हो गई है, इनका बल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये बस एक खंडहर के रूप में, एक आकृति के रूप में आपके यहाँ पर विद्यमान है। अब नीचे की तरफ आएंगे और कुछ और पूर्व क्षेत्रों को जानेंगे। शुक्र की बात करेंगे, शुक्र की स्थिति यहाँ पे आपके लिए बलशाली है, खासकर आपके अगर बात करें तो भाई पिता इन लोगों की तरफ से आपके लिए सहयोग की स्थिति बना रहा है और पति की तरफ से भी बहुत ही बढ़िया सहयोग। ठीक है, आगे कुछ आपके सवाल हैं वो जो आप उनको मिलाएंगे तो चीज़ें बिल्कुल डिफर है, अलग है, लेकिन है, किस्मत में है तो उसे है ही करना पड़ेगा। ठीक है, चंद्र की बात करेंगे, चंद्र की स्थितियाँ यहाँ पे आपके लिए सामान्य है। एक क्या है कि कभी कभी आपको इतना सिसील बना देती है ना कि ऐसा लगेगा बेड पे चले गए ना तो उठने का मन भी नहीं करे, बॉडी में कोई क्षमता ही नहीं, कोई ताकत ही नहीं, मानसिक तौर पे भी इतने कमजोर कि पूछो मत। ठीक है, दुनिया में अकेले सब कुछ एकदम अजीब तरीके की स्थिति पैदा कर देती है। इससे संबंधित कुछ रेमेडी है आपको बताऊंगा, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे अब आपके भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा शुरुआत से ही एक तरीके से दगा दे के ही इसने ये आपके लिए चली है। ठीक है, और जो भी चाहा है उन चीज़ों से इसने हमेशा आपको दूर ही करके रखा है। जब भी आपकी भाग्य रेखा, ठीक है, किसी भी यव रेखा के साथ यानी कि कोई भी गोल पिंड बना के उसके ऊपर से चले, जब भी दो मुही हो के शुक्र के अंतिम छोर तक पहुंच जाए तत्पश्चात एक मुखी हो, ऐसी स्थिति जब हो तो समझ लो कि वो भाग्य रेखा डपोर शंख जैसी स्थिति, मतलब किसी काम की नहीं है, बस शो पीस है। ठीक है, इसके अलावा जो रेखाओं की बात करेंगे, जीवन रेखा, जीवन रेखा की कैसी स्थिति है। जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, ये मत घबराना कि मेरी उम्र कम है, अच्छी खासी उम्र है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मस्तिष्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हृदय रेखा आपकी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है, आपका जो विवाह से संबंधित एक सवाल है ना, आपकी हृदय रेखा पूर्णतया उसे एक तरीके से खंडित कर रही है। ठीक है, खंडन कर रही है उसका, ये बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही स्मूथली ये आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, जो परेशानियाँ आई हैं, जो चीज़ें आपके साथ चल रही है, मस्तिष्क रेखा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा सहयोग है, चक्कर में ना पड़े, चीज़ें अपने आप सुलझती चली जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उन सबसे दूर रहने की आपको आवश्यकता है। अब आपके दाहिने हाथ में आते हैं और वहाँ से हम चीज़ों को लेते हैं। ठीक है, मणिबंध की रेखा की बात करेंगे, यहाँ पे मणिबंध की रेखा आपके लिए कमोबेश बेहतर स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ये अलग नहीं हुई है, यानी कि आपने अपनी चीज़ों को अपने तरीके से काफ़ी हद तक संभालने की कोशिश करी है, बेहतर करने की कोशिश करी है और वो चीज़ें आपके लिए थोड़े से संघर्ष को बढ़ाने वाली है, लेकिन वो खंडित नहीं हुई है, ये आपके पक्ष में है, आपके लिए बेहतर है, एक सकारात्मक स्थिति को दर्शा रहे हैं। ठीक है, द्वितीय बात करेंगे धन की स्थिति की, ये स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरे सुख, जीवन में सुख की स्थिति अच्छी खासी है। ठीक है, सुख आपके जीवन में बना रहेगा। अब ऊपर चलते हैं और चीज़ों को जानते हैं, गुरु पर्वत के इस क्षेत्र को, गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु पर्वत का क्षेत्र यहाँ पे
आपके लिए सामान्य है, सामान्य से भी काफ़ी उत्तम आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ विशेष अच्छे चिन्ह यहाँ पर विद्यमान हैं, जिन चिन्हों का होना आपके सौभाग्य सौभाग्य कारक है, आपकी किस्मत के लिए बेहतर है, ठीक है। और ये क्रॉस की जो स्थिति है ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर है, ये आपके लिए एक अच्छे भाग्य की तरफ आपको बढ़ा रही है, जिसमें लोगों की नज़र में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, समाज में आपका काफ़ी अच्छी अच्छा मान सम्मान भी होगा और प्रतिष्ठा भी आपकी बनी रहेगी, ठीक है। द्वितीय बात करेंगे आपके शनि के इस पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की क्या स्थिति। यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से है, चूँकि इसने हृदय रेखा को खंडित किया है और यह रेखा की एक दूसरी स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, ये आपके लिए परेशानी का कारण है, ठीक है। सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य की स्थिति यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके लेफ्ट पाम में मैंने बताया था, उसी का प्रभाव है। आपने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है, यानी कि आपके ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं गलत या सही, आपने उसे एनालाइज नहीं किया, आपने उसे फिल्टर नहीं करा और चीज़ें उसी तरीके से आपके जीवन पर आ गई, और उसका प्रभाव है कि जीवन में बहुत सारे बिखराव की जैसी स्थिति आपके लिए पैदा हो गई। अभी भी आपके पास समय है अपने हुनर को पहचाने और आगे बढ़े। आप खुद ही बता देंगे दुनिया को कि आप क्या हैं, ठीक है। बहुत अच्छी क्षमता है, इवन कि फिनेंशियली बोलूँ ना तो बहुत आगे जाने की आपकी स्थिति है, और आप खुद एक बिजनेस वूमैन के रूप में आप स्थापित होंगी अगर आप अपना विल पावर बढ़ाएं और खुद पे आप भरोसा बस अगर कर ले तो, ठीक है। बस यही कहूँगा, भरोसा एक बार कर ले आपको समझ आ जाएगा। और फिर चतुर्थ बात करेंगे आपके अपुत्र की स्थिति की, ये स्थिति यहाँ पे भी अच्छी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी खासी है, दो संतान के भी आपके योग हैं। विवाह से संबंधित जो आपका सवाल था, चलिए उस सवाल पे आते हैं। आपका सवाल है कि आप सिंगल मदर हैं एंड क्या आगे आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या सेकंड मैरिज के कुछ चांसेस हैं। जी, सेकंड मैरिज के कोई चांसेस नहीं है, आपकी एक ही शादी होनी है और वो शादी भी बहुत अच्छी चलनी है। जो थोड़ी सी रुकावट आए हैं, जो थोड़ी सी जो स्थितियाँ बनी हैं, वो मिसकम्युनिकेशन और बस कुछ उलझने हैं और कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, जिसका नतीजा है वो चीज़ें आपके जीवन में आ गई है, ठीक है। और बस यही समझ लो कि कोई भी बड़ा कारण नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई चलती कार रास्ते में रुक जाए तो सारे लोग सोचेंगे कि चलो चलती कार रुक गई यार, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। कुछ नहीं, एक छोटा सा कील भी करेगा ना, फिर भी पूरी गाड़ी को बैठा देता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। हमेशा इंजन ही खराब हुआ आवश्यक नहीं है, एक कील भी काफ़ी है चलते गाड़ी को रोक देने के लिए, एक चींटी भी काफ़ी है बड़े हाथी को बैठा देने के लिए। वैसे ही एक छोटी सी मिसकम्युनिकेशन और छोटा सा शक और छोटा सा कुछ ऐसी बातें जो कि एक दूसरे के बीच में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें आ जाती है ना तो बड़े से बड़े रिश्तों को ख़त्म कर देती है। तो आपको इन चीज़ों को ना बैठ के समझना पड़ेगा कि क्या वो एक छोटी सी बस कील है। प्यार इधर भी है उधर भी है, समर्पण इधर भी है उधर भी है, विश्वास इधर भी है उधर भी है, लेकिन एक छोटा सा मन में आ गया है कन्फ्यूजन, शक आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि नहीं ऐसा नहीं है ऐसा है। कई बार वो चीज़ें सामने वाले को इतना परेशान करती है कि सामने वाला बहुत उन चीज़ों को लेके आगे तक बढ़ जाता है, उसके और गलत से गलत नतीजे होते चले जाते हैं। शनि की स्थिति भी बिल्कुल उसी प्रकार से, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों से आपको उसके अंदर जाके ठंडे दिमाग से सोच के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बिकॉज आपकी हर्ट लाइन मैरिड मैरिज रिलेटेड जो भी पाम में चीज़ें हैं, जो भी लाइन्स हैं, जो भी माउंट्स हैं, जो भी उसके लायक चीज़ें हैं, उस सब आपके सपोर्ट में फेवर में है, और वो स्पष्ट तौर पे क्लियरली शो कर रही है कि एक ही शादी है, अच्छी शादी है, बहुत आगे तक जाएगी, दो संतान के योग है, दो पुत्र जीवन में प्राप्त होंगे, दूसरी शादी की दिमाग से निकाल ही दे, ठीक है। हृदय रेखा स्पष्ट तौर पे आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। एक ट्राइडेंट जैसी स्थिति भी इसने बनाई है, और इनका झुकाव कहाँ होते चला जा रहा है, आपकी मस्तिष्क रेखा की तरफ, ठीक है। मस्तिष्क रेखा का आपने प्रभाव देख लिया था लेफ्ट फॉर्म में कि किस तरीके से उसने आपके जीवन को प्रभावित किया है, तो आपको उससे निकलना पड़ेगा। वो कर्म है कुछ कभी के जो कि आपको अपनी तरफ ले रहे हैं, खींच रहे हैं। एक कहावत है ना कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी बच जाओ, जो आपके कर्म जो फल है ना वो आपको
पकड़ ही लेते हैं और आपको भुगता के ही छोड़ते हैं। जब तक भुगतवा नहीं लेते हैं ना, तब तक छोड़ते नहीं। दुनिया गोल है, घूम फिर के आप तक आनी ही आनी है। आज अच्छा करा ना, वो भी घूम के आएगी, बुरा करा है वो भी घूम के आएगी। ठीक है, तो कर्म फल हमें कभी कभी परेशान कर देते हैं। जब उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, चीज़ें अपने आप हमारे समझ में आ जाती है, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाता है, फिर हम सोचते हैं इतने दिनों से हम इस छोटी सी बात के लिए इतने मुश्किल में थे, इस छोटी सी बात के लिए अलग रह रहे थे। फिर हमें खुद पर गुस्सा आता है, लेकिन सब किस्मत की बात है, स्टार्स का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने, हालांकि सोच आपकी यहाँ पर भी बदलती नहीं दिख रही है, आप अभी भी उसी तरीके से नज़रिए से सोच रहे हो, चीज़ों को सही तरीके से आगे की तरफ आप अपने हक की तरफ सोचे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी पड़ी है। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे मंगल की, किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी तरफ जाने से बचे। भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ पे आपके लिए अच्छी है, लेकिन जो शुरुआत की दशा है उसमें भी आपने देखा दुमुही हो गई थी, और यहाँ पे भी एक तृतीय प्रकार की रेखा के रूप में आगे की तरफ बढ़ रही है, मोटी और एक ऐसा जिसे आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल और संघर्ष को बढ़ाने वाली हो जाती है वो रेखा, जो कि परेशान करती है, वैसी स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अन्य चिन्ह यहाँ पे तैयार आपके लिए हो रहे हैं। ये चिन्ह आपके लिए जैसे एक स्थिति बनेगी ना, अभी आपकी जो एज है, लास्ट 2 ईयर्स बैक में आप चले जाओ, वहाँ पे आपके लिए फिनंशियली बहुत ही अच्छी स्ट्रांग स्थिति आई थी, आगे आने वाले साल में फिर ऐसे ही आएगी। तो थोड़े थोड़े समय पे ना, कभी कभी आपको फिनंशियली आपको लगेगा कि चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती चली गई। ठीक है, तो बीच बीच में आपके लिए एक बेहतर स्थिति को ये बनाएगी, बस आप अपने सोचने के तरीके पे थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। मंगल का सहयोग आपके जीवन में है ही, केतु आपके लिए सामान्य है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बाहर के लफड़ों से बचने की आवश्यकता है। चलो, अब आपके सवाल कुछ थे, उनका मैं एक देख लूँ। एक था आपका बच्चों से संबंधित कि मेरे बच्चों का कैसा फ्यूचर रहेगा। तो देखो, बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, बिकॉज आपकी जो आगे की चीज़ें बता रही हैं और स्पष्ट तौर पर बता रही हैं कि आपका आगे का समय बेहतर है, तो बच्चों का भी ऑलरेडी बेहतर रहेगा। आप खुश रहेंगे, मतलब बच्चे खुश रहेंगे। वैसे सब अपनी किस्मत खुद लेके आते हैं, तो बच्चों से ही समझे तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड मैरिज नेवर, कभी नहीं, एक ही मैरिज है और वो मैरिज आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा बच्चों से संबंधित ही आपने पूछा है बस। ठीक है, तो जो भी आपका है अच्छा है, टेंशन ना लो, चीज़ों को एनालाइज करो, समझो कि आखिर कहाँ कौन सी बस छोटी सी वकील है जिसने कि इस बड़ी गाड़ी को बैठा दिया है। ठीक है, किल को निकाल दो, अच्छी चल पड़ेगी, टेंशन ना लेना। और कुछ जानना हो तो आप व्हाट्सएप पे जैसे आपने कॉन्टेक्ट किया वैसे करना। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।